नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरें बताते हैं बल्कि आपके लिए बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड, सिल्वर, एग्री कमोडिटी और फिर बेस मेटल्स, तमाम कमोडिटीज के ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसलिए इसी मकसद से हम आपके लिए लेकर आए हैं कमोडिटी निवेश। और आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं। अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, बिटुपन मजुमदार हैं bmazumdar.com के, और साथ ही सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के ईडी बीवी मेहता साहब भी हैं, उनसे हम जानेंगे खाने के तेल पर। लेकिन सबसे पहले आज बेस मेटल्स की चाल देखनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की गिरावट बेस मेटल्स में दिख रही है, अप्रैल के ही हाई से बात करें तो कई सारे बेस मेटल्स ऐसे हैं जिनमें 12-15% तक की गिरावट आ चुकी है। आज की सिर्फ बात करें तो जिंक 210 रुपये के नीचे 2.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ दिख रही है। कॉपर 700 रुपये तक फिसल चुका है। अगर जनवरी के हाई से अब बात करें तो 15% तक की गिरावट कॉपर में आ चुकी है। साथ ही बाकी बेस मेटल्स एल्युमिनियम और लेड पर भी दबाव भी दिख रहा है। केडिया जी, क्या लग रहा है आपको, क्यों ये गिरावट आई है, और इन गिरावट में अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है तो उनके लिए क्या सलाह है, कौन सी टॉपिक होगी और किस साइड की होगी, बेचे या खरीदे? नमस्कार। देखिए विष्णु जी, डेफिनेटली जिस ढंग से हमने जो आंकड़े आते हुए देखे फैक्ट्री ऑर्डर्स के, या फिर हम इकोनॉमी के लिए जो भी नंबर्स देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खराब भी बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने पिछले 5-7 दिनों के अंदर काफ़ी अच्छी फॉल बैक आते हुए देखी है। टाइमिंग डिमांड कंसर्न जरूर बना हुआ है, बीच में हमने देखा इन्वेंट्री का कंसर्न था जिसकी वजह से प्राइस को सपोर्ट मिला था, बट अब हम देख रहे हैं जैसे गोल्डमैन सैक्स के भी नए अपडेट आ गए जहाँ पे कॉपर के प्राइस के जो फोरकास्ट है उसमें कटौती की, पहले $9,750 के आसपास का आकलन कर रहे थे, अब वो करीब $1,000 नीचे 8,700 के करीब है। जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में एक आर्थिक मंदी या मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के जो नंबर्स आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं लोअर देन एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से ये दबाव बना हुआ है। तो आई थिंक कॉपर एक मेजर इंडिकेटर होता है, पहले भी हमने देखा 705-702 के आसपास का सपोर्ट लेके हमेशा उठता है, बट अब तक चाइना से कोई ऐसे ठोस सपोर्ट नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा जिसकी वजह से प्राइजेस में दबाव है। तो टेम्पररी मुझे लगता है कॉपर और जिंक के अंदर वैसे इंट्राडे के हिसाब से कैरी नहीं करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि 695 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे, जिंक के अंदर भी 206 तक का लेवल देख पाएंगे। तो टाइमिंग थोड़ा बहुत दबाव कॉपर और जिंक में रहेगा, बट कोई बड़ी पोजिशन ये करंट लेवल पर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लगभग अगर हम देखें 2023 की ऊंचाई से तो 30% के आसपास का निकल में कॉपर में भी हमने 798 से लगभग आज 700 के लेवल मोटा मोटी छूते हुए देख चुके हैं। तो टेक्निकली थोड़ा ओवरसोल्ड में पहुंच जाएगा, बट अभी भी बाइंग के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो 695 के टारगेट के लिए कॉपर को बेचा जा सकता है, 206 के टारगेट के लिए जिंक को बेचा जा सकता है। कॉपर और जिंक दोनों भी अभी भी बेचने की सलाह है। यहां से पुल बैक आपको आए तो वहां पर बेचकर आप जा सकते हैं। जिंक और पर दो टॉपिक केडिया जी की तरफ से आ रही है, बेचने की सलाह है। एक दर्शक है, प्रशांत है, आसनसोल वेस्ट बंगाल से। कॉपर इन्होंने बेचा है, जिंक बेचा है और सिल्वर मिनी बेचा है। बिटुपन आप बताइए, ये तीनों ट्रेड में इनको बने रहना चाहिए सेल पोजीशन के साथ? देखिए कॉपर में सिचुएशन ऐसा है कि डाउनसाइड सस्टेनेबल है, जिंक में भी कंटीन्यूअस डिक्लाइन है, वीकली चार्ट में भी अभी कंटीन्यूअस सेल ऑफ है, कहीं ना कहीं छोटा पुल बैक आ जाता है लेकिन जिंक सस्टेन नहीं करता है, सेल ऑफ कंटिन्यू रह रहा है। तो जिंक मुझे लग रहा है कि 195-196 का लेवल गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल होगा, इसी 4-5 दिन में नहीं, इसी एक्सपायरी में नहीं, प्रॉब्ली नेक्स्ट एक्सपायरी तक मार्केट गिर सकता है थोड़ा सा। और कॉपर में मुझे लग रहा है कि ये जो है इसमें एक चीज तो है कि यहाँ पे पहला तो डॉलर का इम्पैक्ट हो रहा है एक चीज, और उधर से डिमांड का भी नहीं, और सडनली और एक चीज है कि सप्लाई का भी थोड़ा अभी मार्केट रिकूप कर रहा है, सप्लाई अभी मार्केट थोड़ा रीबैलेंसिंग जैसा हो रहा है। तो जो सस्टेनेबल पहले हाई प्राइसेस था वो सस्टेनेबल नहीं लग रहा है, डिमांड भी कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से कॉपर में गोइंग फॉरवर्ड 675-680 लेवल गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है, जिस तरह से सेलिंग बन रहा है मोमेंटम। हाँ, एक चीज है कि मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, यहाँ पे थोड़ा कभी कभी छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है 697-695 के आसपास है, तो कोई भी अगर ज्यादा लॉस है तो पार्शियल बुकिंग ले लेना चाहिए और बाकी रिमेनिंग पोर्शन को होल्ड कर सकते हैं। अगर 720 के ऊपर कॉपर का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं अगर होल्डिंग पर्सपेक्टिव से, मेरे हिसाब से वो ले रख सकते हैं। उधर से अगर मैं जिंक को देखता हूं तो जिंक का 217 के आसपास अगर किसी को स्टॉप लॉस मेंटेन करके रिमेनिंग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। सिल्वर में मैं जितना ज्यादा कन्विंस नहीं हूं, मुझे लग रहा है कि चार्ट में थोड़ा सा एक पैटर्न फॉर्मेशन है, लेकिन अगर जो जिस तरह सा अभी बात चल रहा है यूएस का डिफॉल्ट के बारे में, अभी कुछ कोई स्ट्रिक्ट कुछ आया नहीं है और मार्केट थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में भी है,
तो यहाँ पे कोई कॉन्विंसिंग व्यू देना कि यही हो जाएगा बोल के थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चार्ट में थोड़ा सा डबल टॉप जैसा है। जब तक ये सिल्वर आप पकड़ लीजिए 72,300 का कल का जो हाई है उसके ऊपर, उसके नीचे सस्टेन करता है तब तक ठीक है, उसके ऊपर स्टॉप लॉस ला के पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी ज्यादा नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा मोमेंटम है, थोड़ा होल्ड कर ले लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना रहे। कॉपर और जिंक में मेरे हिसाब से थोड़ा सा फर्दर डिक्लाइन और भी पॉसिबल है। ये व्यू आ रही है बेस मेटल्स में और साथ ही सिल्वर मिनी को लेकर। लेकिन चलिए एक और दर्शक है जिनके सवाल लेना जरूरी है, वो बुलंदशहर से हैं, समीर हैं। कल भी इन्होंने सवाल भेजा था, इनके सवाल हम शामिल नहीं कर पाए थे। नेचुरल गैस और सिल्वर आज के लिए स्ट्रैटजी जानना चाह रहे हैं। केड़िया जी, एनजी में और चांदी में, दोनों में शाम के लिए कोई स्ट्रैटजी है तो बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर चांदी की बात करें, कल भी हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था कि बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है वो अब थमता हुआ नजर आएगा। जिस ढंग से डेट सेलिंग का जो कंसर्न था उसकी वजह से प्राइस में तेजी है, बट डेट सेलिंग कोई एक नई चीज नहीं है। पिछले 5 सालों में कई बार हमने देखा कि यूएस गवर्नमेंट रनिंग आउट ऑफ द फंड्स रहते हैं, बट कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन आ जाता है। तो आई थिंक 103.50 103.80 की रेंज में जाने के बाद डॉलर इंडेक्स में फिर से गिरावट बढ़ेगी, जिसके चलते कमोडिटी को एक बूस्ट मिलना चाहिए। तो चांदी में कल भी हमने देखा था कि 71,150-200 के आसपास छूने के बाद मार्केट में बाउंस आ गया था। आज भी हमें लगता है कि 71,300-400 के रेंज में भी मिले लेके चलिए, 72,500 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करते हैं तो आज प्राइसेस को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिन की गिरावट के बाद अब मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो टेक्निकली देखें तो 190 का लेवल काफी बढ़िया है, 183 के स्टॉप लॉस से लेके चलिए, 200 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बड़ी तेजी के लिए 220 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। वेदर अपडेट्स आते रहेंगे जिस दिन से थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट, बट यूएस का जो प्रोडक्शन है इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए क्योंकि हरिकेन सीजन स्टार्ट हो रहा है और ज्यादा करके हम देखते हैं कि हरिकेन सीजन स्टार्ट होने से पहले मेंटेनेंस के लिए रिग्स बंद होती है, जो कच्चे तेल और गैस दोनों के लिए सपोर्टिव रहेगा। तो नेचुरल गैस में लेके काम कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। निसर्ग हैं सूरत से, इनका सवाल था कि नेचुरल गैस की शॉर्ट पोजीशन इन्होंने बना रखी है बिटुपन, क्या करना चाहिए, बने रहें नेचुरल गैस की शॉर्ट पोजीशन में? केरिया जी आप ही बता दीजिए इनको क्या करना चाहिए शॉर्ट पोजीशन में, इनको बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप कॉल तो खरीदारी की दे रहे हैं। मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी आप देखिए कि प्राइसेस ने 6 महीने की गिरावट के बाद मार्केट 160-170 के जोन से सपोर्ट लेके उठ गया है, और जिस ढंग से हम आगे देख रहे हैं कि स्टॉक पोजीशन काफी टाइट रहेगी यूरोप में, जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। और एक चीज और है, कभी भी जब कच्चे तेल में तेजी आती है तो एज ए अल्टरनेट एनर्जी नेचुरल गैस को भी सपोर्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कि बेटर है प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, अगर शॉर्ट में इनको प्रॉफिट बन रहा है तो 190 के करीब वापस लेके चल सकते हैं। मुझे लगता है प्राइसेस में कहीं ना कहीं बाउंस वापस आता हुआ दिखाई देगा। ओके चलिए अब खाने के तेल की बात कर लेते हैं। बीबी मेहता साहब काफ़ी समय से हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। सर शुक्रिया आपने इतना वेट किया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सर दाम के जो पोर्ट जो नंबर आ रहे हैं उनके हिसाब से पिछले साल से भाव 50% तक घट चुके हैं। ये पाम तेल के इंपोर्ट के भाव है, पोर्ट के भाव मैं बता रहा हूँ, ₹925 प्रति टन, $925 प्रति टन के आसपास है। क्रूड सोया तेल और में भी 45% और सनफ्लावर में करीब करीब 56% तक की गिरावट दिख रही है। सर क्या लग रहा है इतनी गिरावट के बाद और भी गिरावट की आपको आशंका दिख रही है खाने के तेल में? आपने जो नंबर देखा है उससे भी और गिर गया है, पहले तो वही बता दो। मार्केट नीचे जा रही है और $50-100 अगर निकल जाए तो आई वॉन्ट बी सरप्राइज। यार इतनी मंदी का दौर चल रहा है आज, तो इसके लिए प्राइस काफी गिर रही है। मगर उसका एक नुकसान ये हो रहा है कि जो मस्टर्ड के फार्मर है वो काफी डिस्करेज हो रहा है। आज मस्टर्ड के जो MSP है 5,450, उनके सामने आज मंडी में भाव जो है 5,100 है, और किसान के हाथ में तो 4,600 आता है कि वो मंडी टैक्स और बाकी का खर्चा निकाल के आ रहा है, तो काफी डिस्करेज हो रहा है। कंज्यूमर खुश है मगर किसान की क्या हालत है तो वो जरा सोचिए आप, क्योंकि और जो मैं अभी देख रहा था लास्ट मई और ये मई में कम से कम 60-50% से नीचे दाम चले गए। लोकल प्राइस भी काफी कम गई है, काफी नीचे गई है, वो भी 40-50% नीचे। एक महीने में सारे तेलों इंडिया में भी 10,000 से 12,000 रुपया होलसेल में नीचे है। तो ये परिस्थिति ऐसी हो रही है, अभी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि भी मस्टर्ड के किसान को कैसे सपोर्ट करे। हमने 2-3 सुझाव भी दिया हुआ है
गवर्नमेंट को, एक तो आपके नाफेड को बोलिए कि नाफेड हाफेड सबसे ज्यादा खरीदी चालू करे 5,450 में, ताकि मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। दूसरा, फ्यूचर ट्रेडिंग जो बंद करके रखा है वो फ्यूचर ट्रेडिंग भी फिर से आप चालू कीजिए, ताकि मार्केट का वायदा शुरू है तो उसका सपोर्ट है। तीसरा, ये बड़ा अच्छा टाइम है बफर कीजिए, जैसे चाइना भी बफर कर लेते हैं, तो ये भाव में आप नाफेड को बोलिए ज्यादा खरीदी करे, मार्केट को सपोर्ट मिल जाएगा। और बफर अगर 15-20 लाख टन का कर लिया तो ऐसे चांसेस का, एक दफा एल नीनो का चांसेस है, अगर एल नीनो का अगर होगा 30% चांसेस है, तो आपका खरीफ और रबी दोनों पे इसकी इम्पैक्ट आएगी। तो उसके जब भी भाव ऊपर रेट ऊपर चलेंगे, दैट टाइम यू कैन यूज दिस बफर रिलीज इन द मार्केट टू स्टेबिलाइज द मार्केट, ये जरूरी है। क्या लग रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी क्या बढ़ाने की बात चल रही है क्या, सोर्सेस क्या बता रहे हैं आपके, या आप लोगों ने भी पिच किया होगा तो कुछ इंडिकेशन तो मिल रहे होंगे, क्या उम्मीद है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी खाने के तेल पर? हम प्रयत्न तो कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट हमारे एक एंगल से नहीं देखे, गवर्नमेंट 5 एंगल से देखती है, तो दूसरे भी एंगल से गवर्नमेंट के लिए वो एंगल से देखती है। अब तक तो कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन मिला नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ड्यूटी के बदलाव करेंगे। हमारा तो बार बार कहना है, बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन वो भी गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि भाई आप ड्यूटी बढ़ाइए, ताकि यहाँ दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है, आरबीडी ओलिन का इंपोर्ट बढ़ रहा है। मतलब आज जो पहले 3% था 2019-20 में, बाद में 20-21 में 5% था, आज 22% आरबीडी ओलिन आ रहा है, वो भी सीपीओ से $20 सस्ता आ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ की रिफाइनरी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन खत्म हो रही है, एंड रिफाइनर बिकम द पैकर। आज जहाँ आपको फिनिश प्रोडक्ट $20 सस्ता मिल रहा है, तो आप क्रूड ऑयल लाके, क्रूड सीपीओ लाके क्यों प्रोसेस करेंगे? एक बड़ा प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को भी हमने किया कि आप ड्यूटी डिफरेंस जो क्रूड एंड रिफाइंड में है, आज 8.25 इफेक्टिव डिफरेंस है, मिनिमम 15% कर दीजिए। उसका एक रीजन और भी है, इंडोनेशिया में दे हैव द हायर ड्यूटी ऑन सीपीओ, लोअर ड्यूटी ऑन आरबीडी ओलिन, कम से 70-80 डॉलर का बफर है, वो डिस्काउंट में करते हैं। इसके वजह से आज इंडिया में आरबीडी ओलिन सस्ता आ रहा है कंपेयर टू सीपीओ। तो काउंटर करने के लिए भी अपने ड्यूटी डिफरेंस 15% करना जरूरी है, और गवर्नमेंट को बार बार लिखा है, नहीं तो यहाँ की इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। ओके सर, इंटरनेशनल मार्केट को लेकर क्या आउटलुक लग रहा है, वहां पर दाम किस तरफ जा सकता है आगे? आप जैसा कह रहे हैं कि आगे सीजन के लिए बफर बना के चलना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपको भी लग रहा है कि आगे दाम बढ़ सकते हैं। अभी भले ही किसान के पास तो होल्डिंग कैपेसिटी है नहीं कि उस दाम का फायदा उठाएंगे, तो अभी वो मेजर लेने की जरूरत है कि आप इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें, लेकिन इंटरनेशनल प्राइस को लेकर क्या आप सेंस कर रहे हैं, प्राइस किस तरफ जाएंगे आगे? अभी गिरावट दिख रही है, क्या आगे दाम फिर से बढ़ सकते हैं क्या? नहीं, पहले तो ये बताओ, ये जो दाम अभी है उससे भी $50 नीचे जा सकते हैं, कोई उसमें इश्यू नहीं है, $50 और भी नीचे जा सकते हैं, $50,000, क्योंकि ज़रा रीज़न है। आज वर्ल्ड में प्रोडक्शन देखो, टोटल ऑयल सीड का प्रोडक्शन 16 मिलियन बढ़ा, और कम से 600 मिलियन का प्रोडक्शन हुआ है, ये साल की बात कर रहा हूँ। ऑयल की अवेलेबिलिटी है जो 6 मिलियन बढ़ी और कंपेयर टू द लास्ट ईयर। इंडिया में स्टॉक इतना पड़ा है, कम से 3 मिलियन प्लस का अपने पे स्टॉक पड़ा है, प्लस अपने जो सोयाबीन का क्रॉप अच्छा रहा है, मस्टर्ड का क्रॉप अच्छा है, वो भी कृषि आज नहीं तो कल होगा ज्यादा, वो सब दिखा रहा है कि बेरिश पिक्चर दिखा रहा है, और प्राइस नीचे और होलसेल मार्केट या तो रिटेल में भी जा सकती है, यानी यहाँ से और गिरावट की संभावना रख रहे हैं। देखिए, लेकिन जिस तरह के चुनावी साल है, संभावना तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की बहुत कम लग रही है, अब देखते हैं लेकिन आगे क्या होता है। लेकिन आपके 3 अहम सुझाव जो बहुत ही अहम हैं इंडस्ट्री के लिहाज से, वो कि सरकार को जो नाफेड की तरफ से जो सरसों की उसकी खरीदारी में तेजी लानी चाहिए, बफर स्टॉक को बढ़ाने का अच्छा मौका है, क्योंकि आप एक तो किसानों को भी प्राइस सपोर्ट दे पाएंगे, और साथ ही दूसरा आपके पास आगे जब महंगाई बढ़ेगी तो उससे निपटने के लिए आपके पास पर्याप्त स्टॉक होगा, और साथ ही वायदा बाजार के लिए सही समय है। अगर आपको लग रहा है कि वायदा बाजार हेजिंग के लिए ज़रूरत है, इस दाम जो गिर रहे थे उसमें कम से कम FPOs के जरिए किसान वो हेज तो कर पाएंगे, और साथ ही अगर वो नहीं कर पाएँ तो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए हेजिंग का तो प्लेटफॉर्म एक अच्छा होना ही चाहिए। चलिए, शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए।
चलिए वापस लौटते हैं दर्शकों की तरफ, क्योंकि सवालों का अंबार लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो हर दिन रह जाते हैं, आज ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश करेंगे। सतवीर हैं पानीपत से, 2 लॉट सिल्वर मिनी इन्होंने बेचा है। बिटुपन आपसे मेरा सवाल होगा, 72,022 रुपये में इन्होंने सेल किया है, अब क्या करना चाहिए इनको? मार्केट डीप साथ आए तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन भी नहीं काफ़ी हद तक। और केडिया जी ने भी बताया था कि जो भी अभी भी मार्केट में सेंटिमेंट थोड़ा बुलिश का ही है बुलियन में, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सेल पे नहीं, जो भी सेल पे उसने थोड़ा एग्जिट करके रहना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड मेरे हिसाब से तेजी का ही माहौल है, और एक टाइम ऐसे आया था कि हम लोग सिल्वर में 80,000-85,000 का टारगेट दे रहे, तो सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। तो फिलहाल थोड़ा सा डिक्लाइन आ रहा है, करेक्शन आ रहा है, तो बहुत बड़ा एक्सटेंड नहीं करेगा। कोई भी छोटा प्रॉफिट आने से मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए, ज़्यादा होल्डिंग नहीं करना चाहिए। एक सवाल एग्री मार्केट पे ले लेते हैं, पवन का हिसार से है, कॉटन केक में क्या करना चाहिए? केडिया जी काफ़ी गिरावट आ चुकी है कॉटन के साथ साथ कॉटन केक में भी, क्या लग रहा है और गिरावट इसमें बाकी है? अगर कोई खरीदने का मन बना रहा है तो उनको क्या करना चाहिए, जिनके पास स्टॉक है उनको क्या करना चाहिए? देखिए कॉटन सीड ऑयल केक में प्राइजेस 2700-2800 की रेंज में था, तब से हम कह रहे थे कि मार्केट में गिरावट का रुख दिखेगा, बिकॉज जिस ढंग से अदर डीओसीज की जो एबिलिटीज है वो काफी अच्छी है, रिसेशन के फियर के चलते डिमांड मार्केट में नहीं हो पा रहा था, और कल के सेशन में हमने 2500 के नीचे भी जाते हुए देखा। टेक्निकली मार्केट अब ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, दिस इज वेरी गुड टू बाय। तो आज हमने देखा कि प्राइजेस ने जो 2470-75 का लेवल छुआ था वहां से बाउंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ये कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीवियर बाइंग नहीं दिखाई देगी। यहाँ से हम बाइंग जरूर कर सकते हैं, बट 2560-2600 तक का एक जंप दिखाएगा वहां पे हम वापस रिव्यू करें, बिकॉज अब हम मई के एंड में है, स्विंग का इम्पैक्ट मार्केट में रहेगा, थोड़ा उसका भी इम्पैक्ट रहेगा, तो यहाँ से बाउंस जरूर लग रहा है, बट 2560-2600 के रेंज में मार्केट एक बार जा सकता है। अगले दर्शक है मुकेश सोनी है राजस्थान से, जून में नेचुरल गैस में किस तरह की स्ट्रेटजी बनाए, जून के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाए बिटुपन? देखिए नेचुरल गैस अगर मेरे हिसाब से नीचे बनता है, अभी जून का कॉन्ट्रैक्ट भी शुरू हो जाएगा, तो नेचुरल गैस का प्रीफर्ड जो बाइंग रेंज है प्रॉब्ली अगर आता है 175-180 का जो रेंज है, मतलब बॉटम साइड में पकड़ लेता 170-175 तक, तो वो सब लेवल के हिसाब से मेरे हिसाब से बाइंग जनरेट करना है, और ऑन द अपसाइड 210-215 तक मेरे हिसाब से इमीडिएट बन सकता है। यूएस का अभी जो भी है समर ड्राइविंग सीजन है, नोवा का भी रिपोर्ट आएगा हरिकेन कैसा बनेगा, तो और रिफाइनरी मेंटेनेंस प्रोग्राम भी ऑलमोस्ट चल रहा है, तो ऐसा है कि थोड़ा सप्लाई मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक फैक्टर होगा जो प्रॉब्लम मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। तो नीचे लेवल पे मेरे हिसाब से जून में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है, तो बाय रहना चाहिए नीचे लेवल पर, लेकिन क्योंकि मार्केट यही रहने से बहुत बार बाउंस कर रहा है, तो दिस इज द सेफेस्ट आइडिया, और टॉप में ज्यादा बाय मत कीजिएगा, 210-215 मेरे हिसाब से इमीडिएट टारगेट मेरे हिसाब से रहेगा। ओके चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, नवनीत हैं जीरापुर से, सोना चांदी और क्रूड तीनों काउंटर में, केडिया जी आपसे राय जानना चाह रहे हैं, आपके फॉलोअर हैं नवनीत, बताइए तीनों काउंटर में क्या करें? देखिए सोने और चांदी की बात करें तो मुझे लगता है ट्रेंड तो पॉजिटिव है, जिस ढंग से कल हमने प्राइसेस को वापस 8,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। नो डाउट आज रात को फेड के जो मिनट्स आने वो काफी इंपॉर्टेंट है, हमने देखा था पिछले मीटिंग में क्लियर कट था कि आगे रेट हाइक नहीं होगा, जिसकी वजह से सोने में एक अच्छा खासा बाउंस मिला था, बट फेड के कुछ मेंबर्स का कहना था कि 1-2 हाइक और पॉसिबल है, बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, तो आई थिंक 60,000-60,050 के आसपास के पुलबैक पे लेके चलिए, जब तक प्राइस 59,700 के ऊपर मेंटेन है 60,500-60,800 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। भाई चांदी बेस मेटल की वजह से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग रह सकती है, बिकॉज चांदी का भी डिमांड इंडस्ट्रियल डिमांड रहती है, और कॉपर जिंक में जिस ढंग से गिरावट है वो एक दबाव जरूर दे रहा है, बट आई थिंक 71,300 का रेंज अच्छा है, वहाँ पे बाय कर भी चलिए 70,700 के स्टॉप लॉस से, इमीडिएट टारगेट तो 70-500 का, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट रिगेन करके होल्ड कर जाएगा। एंड लास्ट अगर हम बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हमने देखा सऊदी से जो सरप्राइज अपडेट आया है इन रिगार्ड विद द प्रोडक्शन कट ओपेक प्लस में जो अगली मीट है, और साथ में हमने ईयर एंड के जो टारगेट्स रखे ईयर एंड के जो आउटलुक रखे हैं वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि डिमांड इंप्रूवमेंट होने की बातें बता रही है, नो डाउट चाइना से काफ़ी उम्मीद है, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कच्चे तेल में बाउंस कंटिन्यू रहेगा, 6,080 पे लेके चलिए, 6,000 का स्टॉप लॉस रखिए, इमीडिएट टारगेट 6,200, बट ध्यान रखिए इंटरनेशनल में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये सस्टेन रह जाता है तो 6,450 तक के भी लेवल हम कच्चे तेल में आते हुए देख पाएंगे। अगले दर्शक है जमील भाटी चूरू राजस्थान से, क्रूड और एनजी खरीदें या बेचें, क्या सलाह देंगे बिटुपन इनको?
क्रूड ऑयल तो मेरे हिसाब से बाय करना है, क्योंकि एक टेक्निकली तो ब्रेकआउट है। टेक्निकली आपका आपका जो $74 का जो लेवल था नाइमेक्स का, WTI का, वो ब्रेकआउट करके मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे भी MCX में भी वो भी देख लीजिए 6100 6120 के आसपास तो मार्केट होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना है तो जो 6100 वाले जो कॉल है 220-225 के आसपास खरीद सकते हैं, 200 के नीचे स्टॉप लॉस, और ये 207-270 तक हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उधर अगर मैं नेचुरल गैस का बात करके रखता तो नेचुरल गैस मुझे इसी लेवल पे मार्केट में नहीं बाय करना है। मुझे लग रहा है कि अगर ये इंट्राडे पर्सपेक्टिव से करना है तो एक 189-190 मेरा प्रीफर्ड बाइंग रहेगा। 185 का स्टॉप लॉस मुझे टारगेट रहेगा 196-197। तो थोड़ा डिप्स में बाय करूंगा नेचुरल गैस, और मैं क्रूड ऑयल में ऑप्शंस के साथ ही जाना चाहूंगा आज के लिए। आशीष है राजस्थान से, 160 रुपए पे कॉपर लॉन्ग कर रखा है। बिटुपन क्या सलाह देंगे इनको, 760 पे लॉन्ग है, काफी नुकसान हो रहा है। सर जी इनके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे शायद इतने होल्ड करके रखे हैं, क्योंकि लेकिन व्यू तो सभी मार्केट में जितने भी एनालिस्ट ने बताया होगा कि ये निगेटिव ही है, कि मेरे हिसाब से मोहिनी जी ने कहा कि किसी ने बुलिस बोला होगा, तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए कोई भी पुल बैक आने से, और स्टॉप लॉस से मेंटेन कर लीजिए इंट्राडे में 695 का। कोई पुल बैक आता है वहां से तो निकल जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड ये 680 तक मेरा व्यू है, 680 तक, और उसके नीचे भी जा सकता है। हैं अगले कॉलर दिल्ली से, क्रूड में शाम के लिए ट्रेडिंग रणनीति जाना चाह रहे हैं। शाम में क्या करना चाहिए कच्चे तेल में आज के लिए किरिया जी? कच्चे तेल में मैं अभी भी पॉजिटिव का ही है, तो 6080 का लेवल काफी बढ़िया है, यहाँ पे लेके चलिए। 6000 का स्टॉप लॉस रखिए, 6200 का टारगेट देखने मिल सकता है। अगले पवन का एक और सवाल है किरिया जी, ये ग्वार पर भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। ग्वार सीड में इनको क्या करना चाहिए? पहले भी देखा मार्केट एक बड़े दायरे में अटक चुका है, में हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 5350-5400 के नीचे होल्डिंग कर रहा है। कल हमने एकाएक प्राइजेस में 5365 का लो लगते हुए देखा, सिंस देन मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी है। आज डे हाई पे करीबन 5500 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर आज के सेशन में 5500 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन कर जाता है तो मुझे लगता है 5640 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। तो ग्वार में बने रहिए, या एवरेज करना है तो करंट लेवल पे करके चलिए, ऊपर में 5650 तक का लेवल देख सकते हैं। ओके, अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। रौनक अग्रवाल हैं हरदा से, इनका सवाल है मूंग प्राइस का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। केडिया जी क्या लग रहा है मूंग में? देखिए मूंग में हमने रिसेंटली देखा था कि प्राइसेस में एक अच्छा खासा दबाव बना था, बट आगे अभी आगे की जो सोइंग का जो डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। करंटली हम देख रहे हैं प्राइसेस 8100 के इर्द-गिर्द घूम रहा है, तो 8000 के नीचे तो जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बट प्राइसेस में एक बेस बनता हुआ दिखेगा, तो 8000 तक के आसपास आता है तो वहां पे इनको बाइंग करके चलना चाहिए। ओके, अगले दर्शक केडिया जी पीके सिन्हा है पटना से, हल्दी जाना चाह रहे हैं कि खरीदें या बेचें। आज तो जबरदस्त तेजी है, क्या करना चाहिए हल्दी में अब यहाँ पर? देखिए हल्दी के फंडामेंटल्स में थोड़े चेंजेस ये आए हैं कि हम देख रहे हैं इस बार स्विंग का जो एरिया है वो कम हो सकता है, जिसके चलते पिछले हफ्ते में भी हमने एक तेजी देखी थी, और फिर डिमांड और एक कैरियर स्टॉक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी भी कैरियर स्टॉक काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से बार बार में हायर साइड से प्राइस में दबाव है। बट नो डाउट टेम्पररी हम बोल सकते हैं कि करंट लेवल से करके चल सकते हैं, ऊपर के अंदर हमें लगता है कि वापस हम 8800 तक का लेवल देख पाएंगे, तो करंट लेवल से लेके चलिए 7700 के स्टॉप लॉस से, 8800 तक का ओवरऑल टारगेट रहेगा, बट व्यू आप 10 से 15 दिन का लेके चलिए। शुक्रिया केडिया जी आपका और बिटुपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के मैक्सिमम सवालों के जवाब दिए। जो सवाल रह गए बाकी शो में हम शामिल कर लेंगे। कमोडिटी निवेश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।